बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो हमें चार पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। एक तो रिक्वायर्ड ये है कि प्रूव कर ले कि हमारे साथ इको प्लेनर है, सेम प्लेन पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे वेक्टर मालूम करते हैं, ठीक है। वेक्टर हम किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। अगर ये हमारे साथ पॉइंट ए हो, एक्स एक्स इस पे पॉइंट बी, मतलब इधर इसका पॉइंट बी हो, इधर इसका पॉइंट सी, इधर डी, तो हम ए बी से वेक्टर ए मालूम करेंगे, ए सी से वेक्टर बी मालूम करेंगे और ए डी से वेक्टर सी मालूम करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका हम वेक्टर हम मालूम करें तीन वेक्टर और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे साथ जीरो के बराबर हो, तो इसका मतलब ये है कि ये कोप्लेनर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए मालूम करते हैं। तो वेक्टर ए हमारे साथ ए बी सी मालूम होता है, तो ए बी हमारे साथ बराबर है b माइनस ए का, तो वेक्टर a इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 1 माइनस माइनस 2 और 6 माइनस 1, तो वेक्टर a हमारे साथ आ जाएगा i प्लस 3j और प्लस 5k, ठीक है। इसी तरह हम वेक्टर b मालूम करेंगे a c से, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी पॉइंट माइनस ए पॉइंट, तो वेक्टर बी हमारे साथ आ जाएगा सी माइनस ए, 2 माइनस 4, 2 माइनस माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 1, तो बी हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2 आई प्लस 4 जे माइनस 6 के। इसी तरह हम वेक्टर सी मालूम करेंगे ए डी सी, ए डी से हम वेक्टर सी मालूम करेंगे डी माइनस ए, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू डी माइनस ए 3 माइनस 4, 5 माइनस माइनस 2, 5 माइनस और ये माइनस 2 है, ठीक है, अवर 0 माइनस 1, तो सी हमारे साथ आ जाएगा माइनस i प्लस 7j प्लस 7j और माइनस k, ठीक है। तो द पॉइंट्स a b c एंड d आर कोप्लेनर कोप्लेनर f a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम करते हैं, ठीक है, मतलब ए हमारे साथ है आई प्लस 3j प्लस 5k, ये हमारे साथ k है, तो 1 3 5 माइनस 2 4 माइनस 6 और माइनस 1 7 माइनस 1 एक्सटेंड बाई फर्स्ट रो, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1 4 माइनस 6 7 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 और प्लस 5 माइनस 2 4 माइनस 1 7, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस 4 और प्लस 42 माइनस 3 2 प्लस माइनस 2 माइनस 1 से प्लस 2 आता है और इससे मतलब माइनस 6 आता है, प्लस 5 माइनस 2 7 और माइनस 14 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 38 और इससे हमारे माइनस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 प्लस 12 आता है, माइनस 14 प्लस 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे साथ माइनस 50 आता है, विच इज इक्वल टू 38 प्लस 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सेम प्लेन या आर कोप्लेनर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। सेवन में हम रिकॉर्ड ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द सी फॉलोइंग द वेक्टर आर कोप्लेनर, अगर फॉलोइंग नीचे वेक्टर कोप्लेनर हो तो सी की वैल्यू मालूम कर ले। कोप्लेनर मैंने आपको बता दिया, जब कोप्लेनर हो तो ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। तो हमें पॉइंट वन में यू गिवन है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के
आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, वी हमारे साथ बराबर है टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के। अवर डब्ल्यू हमारे साथ बराबर है थ्री आई प्लस जे प्लस सी के, थ्री आई प्लस जे प्लस सी के। We are given S, S vector U, V and W are coplanar. So U dot V cross W is equal to zero. तो इस एक हम किस तरह मालूम करेंगे? इसका coefficient 1, 2, 3, 2 minus 3, 4 और 3 1 c इज इक्वल टू जीरो। 1 2 3 टू माइनस 3 4 और 3 1 c हमारे साथ तो 4 जीरो के बराबर है। ठीक है, एक्सटेंड बाय फर्स्ट रो तो 1 माइनस 3 4 1 c माइनस 2 2 4 3 c प्लस 3 2 माइनस 3 1 c 2 माइनस 3 अबर 2 माइनस 3 3 1 3 1 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस थ्री सी माइनस फोर माइनस टू इंटू टू सी माइनस 12 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 9 माइनस 3 3 प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 3 सी माइनस 4 माइनस 4 सी प्लस 24 प्लस 3 2 6 2 प्लस 9 11 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस 3 सी माइनस 4 सी से हमारे साथ माइनस 7 सी आता है और 33 प्लस 24 और माइनस 4 तो 24 माइनस 4 से 20 आता है, 20 प्लस 33 से 53 आता है। तो 7 सी इज इक्वल टू 53, बोथ साइड डिवाइड बाई 7 तो c इज इक्वल टू 53 डिवाइड बाई 7। तो हमारे साथ c की वैल्यू मालूम हो गई। पार्ट नंबर 2 में हमें 3 वेक्टर u v w गिवन है। u हमारे साथ है i प्लस j माइनस k, v हमारे साथ है i माइनस 2 j प्लस k और w हमारे साथ है c i प्लस j माइनस c k, सी आई प्लस जे माइनस सी के, सी आई प्लस जे माइनस सी के। एस ये हमें गिवन है वेक्टर यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। सो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू is equal to zero. Scalar triple product है तो इसको हम लिखते हैं 1 1 minus 1 1 minus 2 1 और c 1 minus c is equal to zero. Extend by first row to 1 minus 2 1 1 minus c minus 1 1 1 c minus c minus 1 1 minus 2 c 1 is equal to 0. तो हमारे साथ आ जाएगा 1 2 c minus 1 minus 1 minus c minus c minus 1 1 plus 2 c is equal to 0. तो 2 c minus 1 ये minus 2 c और minus 1 से multiply कर ले तो plus 2 c और ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 सी इज इक्वल टू 0। 2 सी प्लस 2 सी 4 सी माइनस 2 सी हमारे साथ 2 सी आता है, माइनस 1 माइनस 1 सी माइनस 2 आता है। तो 2 सी इज इक्वल टू 2 बोथ साइड डिवाइड बाय 2 तो सी इज इक्वल टू 1। तो हमारे साथ सी की वैल्यू मालूम हो गई। तीसरी पार्ट में यू वी डब्ल्यू हमें गिवन है। यू हमारे साथ है आई प्लस जे प्लस 2 के,
आई प्लस जे प्लस टू के बी हमें गिवन है, टू आई प्लस थ्री जे प्लस के, टू आई प्लस थ्री जे प्लस के और डब्ल्यू हमें गिवन है, सी आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के, सी आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के, एस यू बी एन डब्ल्यू आर कोप्लेनर, सो यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो वन वन टू, टू थ्री वन और सी टू सिक्स, सी टू सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्सप्लेन बाई फर्स्ट रो टू वन थ्री वन टू सिक्स, थ्री वन टू सिक्स माइनस वन टू वन सी सिक्स, टू वन सी सिक्स प्लस टू टू थ्री सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री सिक्स आर एटीन माइनस टू, एटीन माइनस टू माइनस वन, टू सिक्स आर ट्वेल्व माइनस सी प्लस टू, टू टू आर फोर माइनस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो। एटीन माइनस टू से हमारे साथ सिक्सटीन आता है, माइनस ट्वेल्व प्लस सी प्लस टू फोर आर एट माइनस सिक्स सी इज इक्वल टू जीरो। तो सिक्सटीन प्लस एट से ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व से हमारे साथ ट्वेल्व आता है और माइनस फाइव सी इज इक्वल टू जीरो। फाइव सी इज इक्वल टू ट्वेल्व, बोथ साइड डिवाइड बाई फाइव, तो सी इज इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइड बाई फाइव। सी की वैल्यू मालूम हो गई और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर एट की तरफ जाते हैं। एट हमारे साथ है पार्ट वन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द फॉलोइंग। ठीक है, पार्ट वन में हमें तीन वेक्टर गिवन है। वेक्टर ए हमें गिवन है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। वेक्टर बी हमें गिवन है फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के। और सी हमें गिवन है सेवन जे प्लस एट के, सी हमें गिवन है सेवन जे प्लस एट के। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमें पता है कि बराबर है वन ओवर सिक्स ए डॉट बी क्रॉस सी का। तो वी इज इक्वल टू ये सिक्स है, वन ओवर सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर आई नहीं है तो मतलब ये जीरो है और सेवन एट। एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो टू वन बाई सिक्स, वन फाइव सिक्स सेवन एट माइनस टू फोर सिक्स जीरो एट और प्लस थ्री फोर फाइव जीरो सेवन। तो हमारे साथ वॉल्यूम वन ओवर सिक्स, फाइव एट जर फोर्टी माइनस फोर्टी टू माइनस टू फोर एट जर थर्टी टू और माइनस जीरो थर्टी टू माइनस जीरो प्लस थ्री फोर सेवन जर ट्वेंटी एट माइनस जीरो। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स, फोर्टी माइनस फोर्टी टू से माइनस टू आता है, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई थर्टी टू से हमारे साथ माइनस सिक्सटी फोर आता है और थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एट से हमारे साथ एटी फोर आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स, स्केलर है सॉरी, वन ओवर सिक्स और एटी फोर माइनस सिक्सटी सिक्स से हमारे साथ एटीन आता है। तो सिक्स वन जर सिक्स, थ्री एट जर थ्री सिक्स जर एटीन, तो वॉल्यूम हमारे साथ आएगा थ्री यूनिट्स। ठीक है, तो वॉल्यूम मालूम हो गया। अब पार्ट टू में हम ये पॉइंट्स गिवन हैं और रिक्वायर्ड ये है कि वॉल्यूम मालूम कर लें। पॉइंट ए हमारे साथ है
2, 3, 1 पार्ट बी हमारे साथ है -1, -2, 0 पार्ट सी हमारे साथ है 0, 2, -5 और पार्ट डी हमारे साथ है 0, 1, -2 0, 1, -2 अब हम वेक्टर ए मालूम करेंगे ए बी से वेक्टर है हम मालूम करते ए बी से ए बी हमारा बराबर है बी माइनस ए का ठीक है विच इज इक्वल टू -1, -2, -2, -3 और 0, -1 तो वेक्टर ए हमारे साथ आ जाएगा -3i, -5j और -k अब वेक्टर बी हम मालूम करेंगे ए सी से ए सी हमारे साथ बराबर है सी माइनस ए का विच इज इक्वल टू सी माइनस ए 0, -2, 2, -3 और -5, -1 तो वेक्टर बी हमारे साथ आ जाएगा -2i, -2i, -j, -6k वेक्टर सी हमारे साथ आ जाएगा ए डी से ए डी इक्वल टू डी माइनस ए डी तो 0, -2, 1, -3, -2, -1 तो वेक्टर सी हमारे साथ आ जाएगा -2i, -2j और -3k तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमारे साथ आ रहा है 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी विच इज इक्वल टू 1/6 स्केलर वेक्टर पर प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो एक इक्वेशन -3, -5, -1, -2, -1, -6 और सी वाला -2, -2 और -3 तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 1/6 एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो तो -1, -6, -2, -3 अब इधर हमारे साथ 1/6 और ये -3 है ठीक है -3 अब दूसरा हमारे साथ माइनस आता है और एक माइनस ये है तो +5 हो जाएगा -2, -6, -2, -3 और -1, -2, -1, -2, -2 विच इज इक्वल टू 1/6 ये हमारे साथ आ जाएगा 3, -3 इधर मैं लिखता हूँ ठीक है विच इज इक्वल टू 1/6, -3 अब ये हमारे साथ 3, -12 आ जाएगा +5, -2, -3 और 6 अब ये हमारे साथ माइनस 12 आ जाएगा 6 -12 -1 और ये हमारे साथ 4, -2 आ जाएगा ठीक है तो वैल्यू इज इक्वल टू 1/6 3 -12 से -9 आता है -9 × -3 = 27 आता है ठीक है इस तरह +5 और 6 − 12 से -6 तो हमारे साथ इससे -30 आता है ठीक है और इससे हमारे साथ -2 आता है 4 − 2 से +2 × −1 से −2 आता है ठीक है विच इज इक्वल टू 1/6 × -5 तो ये मॉडुलस के इसमें हमारे साथ माइनस से प्लस आएगा तो v = 5/6 तो हमारे साथ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 5/6 आ गया तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे साथ दो पार्ट्स है पहला पार्ट है राइट द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j i cross j dot k plus i dot j ठीक है और दूसरा पार्ट हमारे साथ है
Find the right degree of k cross j dot i. K cross j dot i plus j dot k. तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे साथ अब i dot i is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1. इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में हमारे साथ i dot j is equal to j dot k is equal to k dot i is equal to j dot i is equal to k dot j is equal to i dot j is equal to 0. ये सारे हमारे साथ 0, क्योंकि इन सब की रेमेन एंगल 90 है और cos 90 हमारे साथ 0 के बराबर. इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे साथ i क्रॉस j हमारे साथ k के बराबर है, j क्रॉस k हमारे साथ i के बराबर है और k क्रॉस i हमारे साथ j के बराबर. अगर इसके उल्ट लिखते हैं मतलब j क्रॉस i तो हमारे साथ माइनस k के बराबर है, k क्रॉस j हमारे साथ माइनस i के बराबर है और i क्रॉस k हमारे साथ माइनस j के बराबर है. ठीक है, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे साथ i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर ये हमें पता हो तो ये हमारे साथ आसान है. i क्रॉस j हमारे साथ अब यहां से i क्रॉस j हमारे साथ k के बराबर है तो हमारे साथ इसे आ जाएगा k और ये डॉट k है और प्लस i डॉट j हमारे साथ यहां से 0 के बराबर है. ठीक है सर, यहां से i डॉट j हमारे साथ 0 के बराबर है तो ये 0 आ जाएगा. k डॉट k हमारे साथ यहां से 1 के बराबर है, यहां से. ठीक है, k डॉट k तो ये मतलब आ गया 1 प्लस 0 व्हिच इज इक्वल टू 1. ये तो सॉल्व हो गया. अब इसको सॉल्व करते हैं तो k क्रॉस j यहां से हमारे साथ k क्रॉस j ये है, k क्रॉस j हमारे साथ बराबर है माइनस i का, माइनस i का और प्लस हम माइनस i डॉट i. ठीक है, और प्लस हम j डॉट k हमारे साथ यहां से 0 के बराबर है, j डॉट k 0 के बराबर है प्लस 0 माइनस माइनस और i डॉट i हमारे साथ 1 के बराबर है और प्लस 0 व्हिच इज इक्वल टू माइनस 1. तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गया.